अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वेलकम बैक इस सबक में इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे करियर्स के ऊपर ही इस्लामिक पस से और साथ ही साथ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इसलिए कि आज हमने जो टॉपिक आपके लिए पसंद किया है वो है द पैरेलल सिलेबस द पैरल सिलेबस के मुराद क्या हैं एक होता है आप कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ते हैं मैथ साइंस इंग्लिश लैंग्वेज सो भी पढ़ते हैं एक है उसके अलावा आपको किन चीज़ों की तालीम हासिल करनी चाहिए आप ये मत सोचिए कि बस कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई काफ़ी हो गई नो एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होता इंसान जब तक मरता नहीं तब तक कुछ ना कुछ सीख सकता है और जितना आप सीखोगे उतनी तरक्की आप करोगे और मैं आपको आज बहुत सारी मिसालें दूंगा इन सबसे पहली बात तो यह कि आप याद रख लीजिए रोज़ी का जो कॉन्सेप्ट है पहले उसे क्लियर कर दीजिए हमारी एजुकेशन रोज़ी कमाने का एक सोर्स है आप ये मत सोचिए कि आपकी रोज़ी एजुकेशन पर ही डिपेंडेड है कि ज़्यादा एजुकेट हो गए आप तो आपकी रोज़ी बढ़ जाएगी ये कॉन्सेप्ट आप मत रखिए अगर आपको अल्लाह ने एजुकेशन के अंदर तालीम के अंदर थोड़ी सी महारत दी है तो आप ये मत समझिए कि आप बहुत बड़े तीस बार कहाँ हैं इससे गुरूर आ सकता है इससे आपके कैरेक्टर पे फ़र्क पड़ सकता है असर पड़ सकता है और जैसे कि बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला को तकबर करने वाले पसंद नहीं है जब एजुकेशन की बात आती है तो एक बात समझ लीजिए आप कि मैंने माना और हम मानते हैं कि तकदीर से रोजी आती है और मेहनत करना ज़रूरी है लेकिन सोर्स को ही आप सब कुछ बना लो कि दूसरी सारी जिम्मेदारियाँ भूल जाए तो ये गलत है आप देख लीजिए कभी आपने किसी घोड़े को घास खरीदते हुए देखा है कभी किसी गधे को या किसी चिड़िया को आपने नौकरी करते हुए देखा है नहीं देखा है उनकी रोजी कौन पहुंचाता है अल्लाह पहुंचाता है है कि नहीं और इंसानी है जो ऐसा सोचता है मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए कमाता हूं मैं ब्रिलियंट हूं पढ़ने में इसलिए मेरे बिजनेस के डिसीजन ब्रिलियंट है इसलिए मैं पैसा कमाता हूँ मालूम पड़ा कि वो समझता है कि अल्लाह ने उसे अकल दी है इसलिए वो ज्यादा रोजी कमाता है रोजी अलग चीज है अकल अलग चीज है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कभी कभी आपके अंदर कोई कमजोर शख्स मौजूद है इस बिना पर आपकी रोजी में बरकत होती है आपके घर में कोई अपाइज है या कोई बड़े जयफ दादा या नाना है और कमजोर है तो अल्लाह ताला उस कमज़ोर शख्स की वजह से भी आपकी रोज़ी में बरकत भेजता है और आप सोचते हो कि मैं होशियार हूँ ये पड़े पड़े खाता है मेरे पैसे का मेरी मेहनत का आपकी मेहनत है बेशक लेकिन अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाया है इसलिए कि दुनिया में बहुत सारे मेहनत करने वाले ऐसे भी होते हैं जो मेहनत खूब करते हैं ईंट उठाते हैं सीमेंट उठाते हैं बड़ी बड़ी इमारत बनाते हैं लेकिन इनकी आमदनी बहुत कम होती है और उसी इमारत बनाने वाले बिल्डर्स आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स इनसे ज़्यादा कमाते हैं पता चला कि रोज़ी का कॉन्सेप्ट सही होना ज़रूरी है तो साथ साथ में दूसरे एजुकेशन भी हमको हासिल करते रहने चाहिए एजुकेशन का शौक होना चाहिए एक बड़े ही मशहूर सेल्समैन की किताब पढ़ रहा था माजरत के साथ ये मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा ये अपने ज़माने के बड़े मशहूर ट्रेनर माने जाते हैं बड़े मशहूर ट्रेनर सेल्स में ये कहते हैं कि किसी ज़माने में मैं जेरोक्स मशीनें बेचा करता था जेरोक्स मशीनें और मुझे सीखने का बहुत शौक़ था अब जेरोक्स मशीन बेचने के लिए एक शहर से मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ता था कंपनी भेजा करती थी अब क्या था ये बात चलती है नाइनटीन की सेवेंटीज़ की जब अमेरिका में भी फ्लाइट्स डिले होते थे कभी कभी तीन चार घंटा एयरपोर्ट पर बैठे रहना पड़ता था उस एतबार से यह कहते हैं कि मैं कभी कभी एयरपोर्ट पर चार घंटा बैठे रहता था तो मैंने सोचा कि जाओ भाई कुछ अपना वक्त का इस्तेमाल करें तो एयरपोर्ट पर किताब की दुकान थी वहाँ पर मैंने फ्रेंच ज़बान सीखने की किताब खरीदी और मैं फ़्रेंच सीखने लगा चार घंटा पाँच घंटा जब भी एयरपोर्ट पर बैठाऊँ मैं अपना वक्त का इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़े से महीनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज में अब बात भी कर सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ मैंने अपने बॉस से कहा तो खुश हो गए कि आज से तुम्हारी तनख्वाह ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हम तुमको अमेरिका के साथ साथ फ्रांस भी भेजेंगे सेल्स करने तो एक लैंग्वेज का इजाफा हुआ और आमदनी का इजाफा हो गया अभी इसे शौक़ बढ़ गया उसके बाद इटालियन जबान सीखने लगा फिर जर्मनी जबान सीखने लगा इस तरह से वो अलग अलग जबानें सीखने लगा इसकी तरक्की होती गई नतीजा ये हुआ कि वो अमेरिका का नंबर वन सेल्समैन माना जाने लगा और यहाँ तक कि वो सेल्स ट्रेनिंग कोर्सेज भी उसके बहुत मशहूर हैं तो पता यह चला कि जिंदगी में पैसा आने के बाद भी अच्छी नौकरी मिलने के बाद भी बच्चे होने के बाद भी आप ये मत सोचिए कि अब आप तालीम का दौर ख़त्म हो चुका है नॉट एट ऑल आपकी तालीम जिंदगी पर चलती रह सकती है शेख नासिरुद्दीन अलबानी रामि यह हमारे ज़माने के बहुत बड़े महदस है लेकिन ये जब मदरसे से निकले तब छोटे से आलिम थे और घड़ी रिपेयर करके अपना गुजारा करते थे किताबों का शौक पढ़ने का शौक़ इनको और तालीम के तरफ लेकर गया रोज़ी कमाते कमाते ये और पढ़ने लगे यहाँ तक कि हमारे ज़माने में ये सबसे बड़े महदस बन चुके हैं यानी पिछले 400 साल के अंदर इमाम सुयूती के बाद सबसे बड़े महदस शेख नासिरुद्दीन अलबानी माने जाते हैं घड़ी रिपेयर करने वाले एक छोटे से मदरसे के एक आलिम इस मकाम पे पहुंच जाता है क्यों इसलिए कि उसकी तालीम उसने ख़त्म नहीं की मदरसे से निकलने के बाद कॉलेज से निकलने के बाद तालीम ख़त्म नहीं होती तालीम चलती रहती है मुसलसल बार बार लगातार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक फील्ड में रहते हैं लेकिन दूसरे फील्ड की तालीम हासिल करना शुरू करते हैं एक मेडिकल डॉक्टर का मैंने एग्जाम्पल पढ़ा था कि ये शख्स डॉक्टर हैं लेकिन इनको मेडिकल साइंस में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि नए नए कानून आ रहे हैं नई दवाई आ रही है और बेईमानी करके ही थोड़ा पैसा कमाया जा सकता है ऐसा उनको लगने लगा तो इन्होंने साथ साथ में मार्केटिंग के कोर्स सीखना शुरू किया और मार्केटिंग का कोर्स सीखते सीखते ये बहुत बड़े मार्केटिंग मैनेजर बन गए इन्होंने अपनी मेडिकल दुकान बंद कर डाली और चले गए मार्केटिंग के अंदर और लाखों रुपया कमाने लगे नतीजा ये हुआ कि एक सबक उससे मिला और वो भी सबको कहने लगे भाई कोई एक फील्ड का एजुकेशन काफ़ी नहीं होता है जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का शौक बाद में आ जाती है आप तीस साल के हो जाओगे पैंतीस साल के हो जाओगे उस वक्त भी आप लोग को शायद ये सीखने का शौक आ जाए कि चल ये मैं ये सीखूँ वो सीखूँ तो अब सीखते रहना ये मत सोचना कि अब मैं डॉक्टर बन गया मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नो 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 अचानक जिंदगी कोई मौका आपके सामने पेश कर दे और हो सकता है वो आपको बहुत ही बुलंदी पे ले जाए तो ये पैरल सिलेबस जो मैं कहता हूँ तौर पे मेरे क्लासेस में मेरे सबक में उसका एक मंशा ये भी होता है कि मैं आप लोगों को इंक्रेज करूँ कि यहाँ तक कि आप छुट्टियों में भी अपनी पढ़ाई चालू रखें मिसाल के तौर पर साल भर में तीन सौ पैंसठ दिन में से आपके स्कूल के वर्किंग डेज़ हैं एक सौ अस्सी से दो सौ दिन अब इस एक सौ अस्सी से दो सौ दिन के अंदर आप अपनी तालीम हासिल करते हैं। बाकी के एक सौ पैंसठ दिन आपकी छुट्टियाँ हर साल कॉलेज और स्कूल लाइफ में हर साल एक सौ पैंसठ दिन छुट्टियाँ यानी आप तेरह चौदह पंद्रह साल के बच्चे बैठे हैं पाँच साल के अंदर आपको कितनी छुट्टियाँ मिल जाएगी एक सौ पैंसठ मल्टीप्लाई बाई फाइव ज़्यादा होगी नहीं इन छुट्टियों में आप क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है ये आपका पॉइंट ऑफ होगा इसके जरिए आपका मुस्तक आपका करियर ब्रिलियंट बनेगा या आप एक एवरेज आदमी बनकर रह जाओगे हमारे एक दोस्त था मैं देखता था कि वो अपनी माँ को ट्यूशन में मदद करता था उसकी माँ गरीब थी बेवा थी कुछ बच्चे ज्यादा हो जाते थे तो ये भी अपनी माँ की मदद करता था धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो गया कॉलेज चालू है लेकिन कॉलेज पढ़ते 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 उसने ट्यूशन देना शुरू किया जैसे ही उसका ग्रेजुएशन खत्म हो गया उसे नौकरी की तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसने अपने कोचिंग क्लासेस चालू कर दिए अपने घर से शुरू किया आज उसके तीन चार कोचिंग क्लासेस बड़े बड़े हैं और वहाँ से वो पैसा कमाता है बच्चों को तालीम देते हुए आपने देखा पैरल करियर पैरल सिलेबस कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अपने माँ बाप को मदद करते करते आपको कोई करियर मिल जाता है हमारे अब्बा के एक पहचान वाले थे ये अपने वाली साहब के दुकान पर जाके बैठे रहते थे छुट्टियों के दौरान छुट्टियां आया तो क्या करना तो अपने वाल की दुकान पे जाकर बैठे रहते थे और बस कैश बॉक्स पे ध्यान रखे कि चोरी नहीं हुए सेल्समैन मैन क्या काम करते हैं वो देखे धीरे 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 एक वक्त ऐसा आ गया कि ये खुद धंधा चलाने का काबिल हो गया अभी तक तो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है अब्बा की तबीयत खराब थी एक दफा हार्ट अटैक आया तो नहीं आ पाए महीनों तक तो ये लड़का खुद दुकान चलाने लगा और एक वक्त ऐसा आ गया कि मैंने उससे देखा कि तीन चार दुकानों का मालिक अपने मेहनत करते करते हालांकि डिग्री कौन सी जैसे कि आम लोगों के पास होती है बी कॉम छोटी सी डिग्री लेकिन उस डिग्री के साथ साथ आप क्या क्या सीखते हैं वो इम्पोर्टेंट है आपको पता है जो लोग दुबई जाते हैं अगर उनको इंडिया में गाड़ी चलाना आता है तो वहाँ जल्दी लाइसेंस लेकर इनको नौकरी अच्छी मिल जाती है क्योंकि एक और फन आपको आता है इसी तरह से आप अपने वैकेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आपको अभी से प्लान करना चाहिए बहुत जल्द आपकी दो दो महीने की छुट्टियाँ आएगी अगर आप एस एस की एग्जाम दे रहे हैं टेंथ ग्रेड के तो आपके टेंथ ग्रेड के बाद आपको एक साथ में दो ढाई महीने की छुट्टियाँ मिलेगी अब वो दो ढाई महीने में आप क्या करते हैं आपको अरबिक जबान सीखने का शौक है आप किसी अच्छे आलिम को रखिए और अरबिक जबान सीखिए दो महीने में दो चार घंटा रोजाना आप सीखोगे आपको एक नई लैंग्वेज आ जाएगी कुरान भी सीखोगे मज़ा आएगा और फ्यूचर में कभी अरब की सरजमीन पर आपको नौकरी करने जाना पड़े तो आपके पास क्वालिफिकेशन है आई कैन स्पीक अरबिक आई कैन अंडरस्टैंड अरबिक आप और क्या क्या कर सकते हो मैं आमतौर पर जब ऐसे क्लासेस लेता हूँ ना तो बच्चों से कहता हूँ नोटबुक खोलो और एक लिस्ट बनाओ आपकी हॉबीज की आप क्या क्या सीखना चाहते हो आपको लिखने का शौक़ है मैं राइटर बनना चाहता हूँ ओके नो प्रॉब्लम रोज एक सफा लिखते रहिए अपनी ग्रामर अच्छी करते रहिए अलग अलग किताबें पढ़िए अच्छी अंग्रेजी वाली या जिस जबान में आप लिखना पसंद करते हो बस लिखते रहिए लिखते रहिए यहाँ तक कि आप राइटर बन जाओगे एक शख्स कहता है मुझे तैरना सीखना है मैं कहा अच्छी बात है लेकिन मैं पानी में नहीं उतरूंगा जब तक कि मैं तैरना नहीं सीखूँ तो आप तैरना कैसे सीख सकते हैं तैरना आपको सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि पहले मुझे तैरना सिखाओ फिर मैं पानी में उतरूंगा ये तो हो ही नहीं सकता है। उसी तरीके से आपको कोई भी फील्ड में जाना है आप फील्ड सीखना शुरू कीजिए इन अल्लाह तला आपको सिखा देगा अलबत् ख्याल रखिएगा कि वो फील्ड हलाल की हो मैं एक्टर बनना चाहता हूँ मैं मॉडल बनना चाहती हूँ मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ इस तरह से आप सोचते रहेंगे और करियर की तलाश करोगे तो सीख तो जाओगे लेकिन आखिरत में जब लाइन में खड़े रहोगे हिसाब देने के लिए और अपना हिसाब नामा खोलोगे बड़ा भारी पड़ जाएगा आपकी आमदनी आपके एक्सपेंसिस का हिसाब देने में क्योंकि अल्लाह तला तयब है और अल्लाह तला सिर्फ तयब रोज़ी ही एक्सेप्ट करता है तो ये टू चूज़ योर करियर वेरी केयरफुली अब आप ये देखिए कि आप और क्या क्या फ़न सीखना चाहते हैं एक लड़का बी एस सी कर रहा है या बी कॉम कर रहा है लेकिन साथ साथ में उसको कंप्यूटर सीखने का शौक है अब वो वैकेशन में तीन घंटा चार घंटा जाकर कुछ ना कुछ सीखते रहता है और डिग्री के साथ उसके कंप्यूटर की मास्टरी आ गई चाहे वेब डिजाइनिंग हो चाहे कुछ भी हो डिग्री है कंप्यूटर आता है कहीं भी अच्छी जॉब मिल जाएगी लेकिन एक फन आप तमाम को सीखना चाहिए और वो फन है जबान की सफाई और जबान की महारती द मास्टरी ऑफ ए लैंग्वेज अगर आप उर्दू में बात करते हैं तो आपकी उर्दू बड़ी फसी होनी चाहिए कोशिश करो कि अदब के साथ आप उर्दू में बात करें द रिचनेस ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप बात करते हो तब पता चलता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है इसलिए कि आप कपड़े अच्छे पहनोगे आप खूबसूरत होगे लेकिन जब आप बात खोलोगे आपका कैरेक्टर आपकी बातचीत के अदा के ऊपर नज़र आती है इसीलिए लैंग्वेज की महारत ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करनी चाहिए कोई एक लैंग्वेज पकड़ो मिसाल के तौर पे आप भले डॉक्टर ही सीख रहे हैं लेकिन आप कोशिश करो कि आपकी इंग्लिश या आपकी उर्दू जो भी आपकी ज़बान है वो बहुत ही अच्छी हो और कैसे अच्छी करते हैं ज़बान उस ज़बान में अलग अलग किताबें पढ़ाई भी, तो कुरान का तर्जुमा भी अलग अलग ज़बानों में आ गया और कुरान की रिचनेस की तो क्या बात करना आपको पता है किसी ज़माने में, में मेरी अंग्रेज़ी बहुत पुअर थी आज भी लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ी अभी भी मेरी थोड़ी सी पुअर है लेकिन अलहमद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी कहानियाँ पढ़ी अखबार पढ़े समझ में नहीं आता था कि मेरी अंग्रेज़ी सुधारूँ कैसे किसी ने मुझे कहा कि निसार कुरान पढ़कर कोशिश करो और इतफ़ाक़ से शेख अहमद दीदात इनकी एक वीडियो कैसेट मैंने देखी है उनमें ये कहते हैं कि ये कुरान आपको सिखा देगा आपको जो फ़न सीखना है और एक मिसाल दी कि आप राइटर बनना चाहते हो जर्नलिस्ट बनना चाहते हो देखो कुरान की हेडलाइन अल्लाह का हदीसुल गाशिया अल्लाह ताली हेडलाइन के साथ शुरू करता तो जब मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ने लगा गुजराती में उर्दू में अंग्रेज़ी में तो मेरी ज़बान के अंदर तब्दीली आने लगी क्योंकि अल्लाह तब बहुत रिच है ज़बरदस्त रिच है और जब मैं पढ़ने लगा तो एक स्टाइल आने लगी और धीरे धीरे मुझे एहसास तक नहीं हुआ कि कब मैं राइटर बन गया और उसी तरीके से जब मैं बात करता था तो आमतौर पे मैं कुरान की जबान का ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करता था जैसे एक मिसाल देता हूँ द रिचनेस ऑफ कुरानिक लैंग्वेज उसमें आपकी स्टाइल कैसे आती है अब देखिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर कोई हुक्म देता है तब जानते हो अल्लाह के अंदाज़ अलग अलग होते हैं व कज़ा रब ब और तुम्हारे रब ने फैसला किया है कॉल अल्लाह ने कहा वाल रब और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है देखिए स्टाइल अल्लाह की कितने अंदाज में अल्लाह ताला अपना ऑर्डर देता है कितने अलग अलग अंदाज में उसी तरीके से जब आप लिखेंगे या तकरीर करेंगे तो आपको इस तरह से अंदाज बदलते रहना चाहिए उर्दू में बात करते तो हमने आपसे कहा हमने आपसे गुजारिश की मैंने आपको बार बार याद दिलाया मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ देखिए सेंटेंस एक है लेकिन आप कितने अंदाज में आप बयान कर लेते हो इस तरह से आपकी जबान में रिचनेस आएगी ये मत सोचो कि हम पूरी डिक्शनरी याद कर लेंगे एक लड़का कहता है सर मैं अगर पूरी डिक्शनरी हिफ्स कर लूँ तो क्या मेरी जबान अच्छी हो जाएगी मैंने कहा नहीं आम लोगों के अंदर जो राइटर्स भी होते हैं बड़े बड़े सक्सेसफुल जो स्पीकर होते हैं इनकी खोपड़ी में भी बीस पच्चीस हजार अल्फाज होते हैं बीस पच्चीस हजार वर्ड्स होते हैं एवरेज जो ग्रेजुएट होते हैं और उसके बाद फिर दो तीन हज़ार ज्यादा वर्ड्स आ जाते हैं दैट्स ऑल सभी के दिमाग में इतने वर्ड्स होते हैं नॉर्मली लेकिन आप उसमें से कितने अल्फाज का इस्तेमाल करते हो बातचीत में लिखने में वो फैसला करती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितने अच्छे अंदाज में आप अपनी बात को कन्वे कर लेते हो अपना संदेश या अपने मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हो ये फैसला करती है क्या आप अपने दिमाग में जितने अल्फाज है उसका इस्तेमाल कर इसीलिए आमतौर पे जब मैं तालीम देता हूँ तो मैं कहता हूँ बच्चों से कि वर्क ऑन योर लैंग्वेज कोई भी एक जुमला अलग अलग स्टाइल में बोलने की कोशिश करनी चाहिए अलग अलग स्टाइल में लिखने की कोशिश करनी चाहिए इससे क्या होगा जहन तुम्हारा चलते रहेगा तो तुम्हारे इंग्लिश टीचर ने तुमको सिखाया होगा चार पांच बुक्स स्टोरी बुक्स पोइट्री बुक्स दैट्स ऑल अब जो आपने सीखा है आप उसका इस्तेमाल करेंगे आप डॉक्टर बने इंजीनियर बने प्रोफेसर बने टीचर बने लेकिन आपकी बातचीत का अंदाज़ आपको ऐसे मकाम पर पहुँचा देगी कि लोग आपको बहुत ही बड़ा समझदार पढ़ा लिखा आदमी समझेंगे और आप है लेकिन आपने कभी इसका इजहार नहीं किया इजहार कब होता है जब आप अपने नॉलेज को करेक्टली एक्सप्रेस करते हो तो ये पैरेलल सिलेबस के अंदर आपको इन चीज़ों को नोट करना कि और क्या क्या सीखना चाहते हैं आप जबान के अलावा कुछ लोग होते हैं जो सिखाने में उस्ताद होते हैं मिसाल के तौर पे जो लोग डॉक्टर्स बनते हैं इंजीनियर्स बनते हैं इनकी जो स्कूल की टीचरें होती हैं वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं होते हैं लेकिन ये सिखाने की इनकी अदा ऐसी होती है कि इनके बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं तो टीचर्स का भी एक मकाम है इसीलिए टीचिंग भी आपको सीखना चाहिए आप कोई फ़न में महारत हासिल करना चाहो तो आपको चाहिए उस फन का जो भी कुछ इल्म आपको है वो आप लोगों में बाँटो इल्म है एक ऐसी चीज़ है जो लोगों में बाँटने से इजाफा होता है पैसा खर्च करने से कम होता है लेकिन नॉलेज खर्च करने से बढ़ता है और इसीलिए जब भी मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो साइड जॉब करते हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं नौकरियाँ करते हैं ना ये ग्रेजुएट होते होते महारत क्यों हासिल करते हैं कि पढ़ते पढ़ते ये सीखते भी हैं और लोगों को सिखाते भी हैं एक शख्स मेरे साथ पढ़ता था और उसे स्विमिंग का शौक़ था अब पढ़ते 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 वो स्विमिंग में भी जाया करता था नतीजा ये हो गया कि उसको नेशनल टीम के अंदर चांस मिल गया ठीक है चैंपियन तो नहीं बन पाया बेचारा लेकिन उसके पास एक पैरेलल करियर बन चुका पैरेलल सिलेबस आ चुका कि वो स्विमिंग कोच बन गया आपको क्या आता है क्या आता है आपको हमारे मोहल्ले का एक छोटा सा लड़का है और मैं उसे देखता था कि छुट्टियों में साइकिल चलाता था गर्मी की छुट्टियों में माँ बाप साइकिल ला के देते ना आपको भी शायद आपके माँ बाप ने ला दी होगी वो साइकिल चलाता था फिर उसने एक आइडिया की कि मोहल्ले में जो लड़के थे इनके पास साइकिल नहीं थी ना उनको ये साइकिल चलाना सिखाता था और दो रुपया तीन रुपया तीन रुपया और दो तीन रुपया तो लोगों के पास रहते ही है और उसके बाद बच्चों को साइकिल चलाना सिखाता था धीरे धीरे ये साइकिल सिखाने वाला एक उस्ताद माना गया हालांकि पंद्रह बीस रुपया कमाता होगा रोज का लेकिन दस बारह साल का बच्चा अगर इतना ब्रिलियंट है कि ऐसा सोच सकता है अपने फन का इस्तेमाल कर सकता है आपको कितनी सारी चीजें आती हैं मैंने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी उसमें था कि चाय बनाने के पच्चीस तरीके पच्चीस किस्म की चाय बनाने के आज हमारे वहाँ तीन घंटे के क्लासेस है वन थाउजेंड रुपीज बगैर शक्कर वाली चाय कड़क चाय नींबू वाली चाय काली चाय सफ़ेद चाय लाल चाय कैसी चाय आपको पीनी है चाय बनाने के पच्चीस तरीके अलग अलग तरीके आप चाय में एक्सपर्ट हो जाओगे और बाद में जब मैंने इनका इंटरव्यू लिया उस जमाने में मैं जर्नलिस्ट था तो मैं ऐसी चीजों के ऊपर काफी नजर रखता था और ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया करता था तो मैंने जब इनका इंटरव्यू लिया तो इन्होंने कहा मुझे कि भाई हमने हजार रुपये की फीस रखी थी पंद्रह बीस लोग आए और तीन घंटे में हमने पंद्रह हज़ार रुपया कमाए सिर्फ टेबल पे चूल्हा लगा के रख दिया दो चार लीटर दूध शक्कर चीनी नींबू वगैरह जमा करके उसने एक दिन में पंद्रह हज़ार रुपया कमाए ये सिखा कर कि चाय अलग अलग किस्म की कैसे बनती है उसी तरीके से आपको बिरयानी बनाना अच्छी आती है आप बिरयानी बनाइए देखिए नॉलेज शेयर कीजिए नॉलेज अचीव कीजिए ये जो डिग्रियाँ हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं इनकी खास वैल्यू नहीं है अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ का तजुर्बा नहीं है इसकी कोई वैल्यू नहीं है बहुत सारे बच्चे थर्टी फाइव मार्क्स लेकर आते हैं जस्ट पास होते हैं लेकिन इनके बहुत सारे फ़न होते हैं जिसकी बदौलत दूसरे पढ़े लिखे बच्चे जिनके पास दूसरे फ़न नहीं होते हैं इनसे ये आगे निकल जाते हैं तो आपके पास फारिग अवकात बहुत है फ्री टाइम बहुत है छुट्टियों में संडे के दिन रखटते रहते हैं टीवी के सामने बैठे बैठे आठ आठ घंटा मैच देखते रहते हो फिल्में देखते हो दोस्तों के साथ घूमते रहते हो मॉल में विंडो शॉपिंग करते रहते हो ये खरीदूँ वो खरीदूँ जेब में पैसा तो होते नहीं पे खड़े रहकर गप्पे मारते हो कौन सी क्रिकेट की टीम अच्छी है कौन सी फुटबॉल की टीम अच्छी है इस तरह वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि आप उस वक्त को प्रोडक्टिव बनाओ कुछ सीखो मेकअलिस्ट आपको क्या सीखना है क्या शौक़ है इसलिए अगर आपको शौक है और आपके पास वक्त है सीखने का तो आप रफ्तार से सीखोगे और वो जो क्वालिटी होगी ना सीखने की बड़ी अच्छी हो जाएगी उसके बाद आप सीखाना शुरू करो हमारे एक दोस्त थे ऑफिस में वो सब एडिटर थे सब एडिटर समझते ना खाली ग्रामेटिकल करेक्शन करने का तनख्वा मामूली थी लेकिन इसको गाड़ी चलाने का शौक़ था गाड़ी के नॉलेज बहुत थे तो किसी को भी गाड़ी खरीदनी होती थी तो उससे कंसल्ट करता था कि भाई हमको ये गाड़ी खरीदनी है कौन सी खरीदो क्या आपका बजट कौन सा है आपको कैसी गाड़ी पसंद है आपका ये इस तरह से मालूम हासिल करने के बाद ये बताता था इस तरह की गाड़ी खरीदो चल कर देखता था खुद हेल्प करता था इनको गाड़ी का इंजन कैसा है इसलिए कि उसने वो फ़न हासिल किया था जो स्कूल में नहीं सिखाया गया था लेकिन इसको शौक़ था हालांकि गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे इसके पास लेकिन गाड़ियों की मालूमत हासिल करने का शौक था धीरे धीरे कंसल्टेंट बन गया और वो नौकरी छोड़कर गाड़ी का व्यापारी बन गया फ़न स्किल्स टैलेंट कभी कभी आपके लिए खजाने के दरवाजे खोल देते हैं आप कौन से फ़न में माहिर हैं आपको शायद पता नहीं होगा आप एक्सप्लोर करो आप देखो आप सोचो कि आपको अल्लाह ने कौन से कौन से फ़न दिए हैं लिस्ट लंबी हो सकती है बनाओ तो सही कलम उठाओ पेपर उठाओ लिखना शुरू करो और देखो उसमें कि कौन सी चीज़ आप जल्दी जल्दी सीख सकते हो उसको प्रायोरिटी दो अलबत्त ये मत करो कि आपकी पढ़ाई कुर्बान ना हो जाए हाँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी पढ़ाई कुर्बान हो जाए वरना क्या होगा आपके अब्बा अम्मी हमें फ़ोन करके कहेंगे निसार भाई की क्लास अटेंड करने के बाद हमारे बच्चे ने पढ़ाई छोड़कर कर ये सब काम शुरू कर दिए मैंने जो आपको नसीहत दी है वो है आपकी फारिक अवात फ्री टाइम लेजर टाइम में इस्तेमाल करना आप देखते रहिए आप अल्लाह ने जो छोटी सी जिंदगी दी है उसमें आप कितने फ़ायदे हासिल कर सकते हो अपना भी और गैरों का भी बस आज का सबक यहाँ ख़त्म होता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें वक्त का सही इस्तेमाल करने की तोफ़ी फरमाए, अल्लाह ताला हमें दिमाग का अक़ल का सही इस्तेमाल करने की तोफ़ीक़ा फरमाए और हमारे लिए भी और लोगों का भी उसमें फ़ायदा हो जजाकल्ला ख़ैरन असलकुम वरहुल्ल वा वक्